हेलो एवरीवन वेलकम टू सी फिजिक्स आज के लेक्चर में जो बचे हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे राइट तो ये क्वेश्चन किसी भी टॉक मतलब किसी भी सेक्शन के ऊपर के हो सकते हैं पोटेंशियल मीटर का हो सकता है मीटर ब्रिज का विस्टोन का ए के सी केविल का भी हो सकता है मे बी ओम्स लॉ का भी हो सकता है जो मैं भूल गया था उस कैटेगरी के उस वीडियो में डालने का तो वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं राइट चलो फिर सॉल्व करते हैं देर आर टोटल नाइन क्वेश्चन देखते हैं कौन से कौन से क्वेश्चन हैं वो पहला क्वेश्चन क्या दिया फ्यूज़ वायर इज़ अ वायर ऑफ अच्छा फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है तो उसका रजिस्टेंस हाई एंड लो मेल्टिंग पॉइंट राइट ये किस लिए यूज किया जाता है फ्यूज वायर टू प्रोटेक्ट द सर्किट सर्किट में से ज़्यादा करंट अगर जा रहा है तो जो उस सर्किट में जो डिवाइस कनेक्ट हुआ है वो डिवाइस वहाँ पर डैमेज ना हो इसीलिए फ्यूज वायर कनेक्ट किया जाता है चलो नेक्स्ट द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज फोर इंटू ट्वेंटू पावर माइनस एट मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल प्लेट विल बी तो आपको देखो मीन फ्री पाथ दिया मतलब डिस्टेंस दिया कितना है फोर इंटू ट्वेंटू पावर माइनस एट मीटर है द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है विच कैन गिव एन एवरेज एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी आपको कितना दिया है देखो एनर्जी इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है राइट right? तो आपसे पूछा है ओके okay, हमारे पास देखो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई डी अगर आपको V पता है तो D निकाल सकता है तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड दिस V तो एनर्जी इज रिटर्न एज एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इन टू वोल्टेज एंड एनर्जी कितना दिया है आपको टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चला गया तो वी का वैल्यू कितना टू वोल्ट है तो यहाँ पर v का वैल्यू टू है d का वैल्यू फोर इंटू टेंट पावर माइनस एट है तो ये आ जाएगा 1 2, 1 2 मतलब जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव पावर एट मीन फाइव इंटू वन समझे बहुत बढ़िया चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री द रेट ऑफ थर्मो ई एम एफ विथ टेम्परेचर एट द न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ अ थर्मो कपल इज तो ये थर्मो ई एम एफ एंड थर्मो कपल देखो थर्मो कपल के रिलेटेड क्या होता है बोला क्या है न्यूट्रल टेम्परेचर तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ई का वैल्यू अगर हम लोग इसका रेशो लेंगे ना डी ई बाई डी टी वो क्या आना चाहिए ज़ीरो आना चाहिए दैट इज रेट ऑफ ई एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो क्या आना चाहिए ज़ीरो एंड वैसे टेम्परेचर को क्या कहा जाता है

दे इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी राइट तो अभी ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम लोग सोचो थोड़ा सा आपको क्या दिया है करंट एंड टेम्परेचर दिया करंट बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं हम लोग सोचना थोड़ा सा तुम लोग करंट एंड टेम्परेचर को कैसे रिलेट करें क्या हो सकता है चलो करें सॉल्व फिर देखो ये जो करंट है करंट की वजह से वायर में हीट जनरेट क्यों हो रहा है और वहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा तो कितना हीट जनरेट करता है तो Q इज इक्वल टू आई स्क्वेयेर आर टी करता है किसी भी वायर के अंदर कितना हीट जनरेट होता है आई स्क्वेयेर आर टी एंड यही हीट किस लिए यूज़ किया जा रहा है टू तो इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ़ वायर मतलब वो किस में कन्वर्ट होगा एम एस डेल्टा टी में तो बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है आर कॉन्स्टेंट टी कॉन्स्टेंट यम कॉन्स्टेंट यस कॉन्स्टेंट तो आई स्क् डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है चेंज इन टेम्परेचर है तो डेल्टा टी टू डिड बाई डेल्टा टी वन इज इक्वल टू क्या है आई टू डिड बाई आई वन का स्क्वेयर I2 कितना है टू आई आई वन कितना आए तो टू आई बाई आई टू टू का स्क्वेयर 4 तो डेल्टा T2 टू इज इक्वल टू फोर इन टू फाइव विल बी ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन राइट तो नेक्स्ट आते है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पे अगेन अच्छा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया है इलेक्ट्रिक केटल हैज टू हीटिंग कॉइल्स राइट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स द वाटर इन द केटल बॉइल्स इन टेन मिनट्स ओके When the other coil अदर कॉयल इज़ in 40 minutes. If both the coils are connected in parallel, the time taken by the same quantity of water <coughs> to boil will be. तो देखो हमारे पास क्या है एक कंटेनर है इलेक्ट्रिक कैटल है उसके अंदर क्या है पानी है राइट पानी का मास कुछ ना कुछ है मान लो यहाँ पर उसका टेम्परेचर भी दिया है कुछ तो उसने बोला है कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं बाई यूजिंग कॉइल तो इसके अंदर coil है राइट अभी कॉल मतलब क्या है अगेन वो वायर है वायर मतलब रजिस्टेंस है तो उस कॉइल को आप लोग मॉडल कर सकते हो किसके साथ रजिस्टेंस के साथ तो फर्स्ट केस में क्या बोला है वेन द कॉइल वेन वन ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड टू ए सी सोर्स द वॉटर इन द केटल बॉइल्स इन टेन मिनट्स ओके तो देखो ये जैसे ही ये कॉयल में से करंट फ्लो होगा वो कॉल क्या करेगा हीट जनरेट करेगा अच्छा कितना हीट जनरेट करेगा क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर इन टू टी है राइट right? ओके okay, इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा ये होता कैसे देखो एक्चुअल में ये आपका जो हीटर है हीटिंग कॉयल है ये दिस इज कनेक्टेड टू अम एफ ऑफ वी तीन सिनारियों दिए तीनों सिनारियों में ऐसा ही है ये हीटिंग कॉयल का रजिस्टेंस आर मान लेना अभी यहां पर कितना हीट जनरेट होगा तो वी स्क्र बाय आर इन टू टी है अभी देखो तीनों सिचुएशन में पहला सिचुएशन में एक कॉयल कनेक्ट किया तो एक रजिस्टेंस आर वन बाद में एक रजिस्टर और एक कॉइल कनेक्ट किया तो उसका रजिस्टर आर टू बाद में थर्ड केस में दोनों कोयल पैरल में कनेक्ट किया मतलब आर वन आर टू पैरल में कनेक्ट किया तो ये जो आपका वी है यहाँ पर वी तो कॉन्स्टेंट है आर का वैल्यू अलग अलग है इवन जो हीट लगेगा टेम्परेचर सेम बढ़ाने के लिए वो तो सेम ही होगा मतलब यहाँ पर Q एंड V का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस इतना तो पता चला अभी उसने बोला कि दोनों रजिस्टेंस पैरल में कनेक्ट किए तो पैरल में तो इक्वीवेंट रजिस्टेंस क्या आता है वन बाय आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रजिस्टेंस तो वन बाय टी इक्वीवेंट इज इक्वल टू वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर वन बाय टी वन टी वन कितना टेन मिनट टी टू कितना फोर्टी मिनट राइट तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर फोर्टी एलसीयम लिया चार प्लस एक चार प्लस एक पांच पांच बाई फोर्टी मतलब वन बाई एट तो टीवलेंट कितना आ जाएगा आठ मिनट आ जाएगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन आ गए समझ में आपको सिर्फ वहां पे समझ में आना चाहिए कि हीटिंग ऑयल क्या कर रहा है हीटिंग ऑयल को मॉडल कैसे किया जाता है हीटिंग ऑयल को मॉडल किया जाता है रजिस्टर के साथ बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है कि वहां पे v का वैल्यू अभी q का फॉर्मूला कौन सा यूज करें क्योंकि q के तीन फार्मूला है आई स्क् वी आई टी तीनों में से कौन सा फॉर्मुलाई आर इंटू टी क्यू यूज किया बिकॉज वहां पे एक ही रजिस्टर है तो उसके क्या करें उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों केस में सेम आने वाला है राइट करंट चेंज हो सकता है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा एंड क्यू को सेम क्यू माना मैंने बिकॉज देखो वो क्या कर रहा है उसने क्या बोला है वहां पर जो पानी है पानी का टेम्परेचर सेम बढ़ रहा है टाइम कितना भी लगने दो बट जो हीट है टेम्परेचर का सेम बढ़ रहा है पानी का मास सेम है क्यू इज टू एम डेल्टा टी है मास सेम है यस सेम है डेल्टा टी भी सेम है तो क्यों भी क्या होगा तीनों केस में सेम ही रहेगा राइट चलो मूविंग टूअ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन सिक्स अ बैटरी इज चार्ज एट अ पोटेंशियल ऑफ फिफ्टीन वोल्ट फॉर एट आवर्स वेन द करंट फ्लोइंग इज टेन एम्पियर ओके दो सिनारियो दिए पहला सिनारी में पंद्रह वोल्ट दिया है कितना करंट दस एम्पियर करंट है कितना टाइम के लिए एट घंटे के लिए द बैटरी ऑन डिस्चार्ज सप्लाईज अ करंट ऑफ फाइव एम्पियर कितना टाइम के लिए पंद्रह आर के लिए द मीन टर्मिनल वोल्टेज कितना है फोर्टीन वोल्ट द वैट आर इफिशंसी कितना आएगा अच्छा ये वैट आर किसका यूनिट होता है किसका यूनिट है वैट आर वैट मतलब पावर आर मतलब टाइम पावर इनटू टाइम मतलब ए, ए, एनर्जी तो इसने पूछा है एनर्जी का इफिशियंसी कितना आएगा तो क्या होगा दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इनटू हंड्रेड अच्छा ये एनर्जी का फार्मूला क्या है वी आई टी डिवाइडेड बाय वी आई टी इंटू हंड्रेड अच्छा ये फाइनल माइनस इनिशियल है तो फाइनल वी कितना फोर्टीन आई कितना पाँच इंटू पंद्रह राइट डिवाइड बाय इनिशियल कितना 15 इंटू टेन इंटू आठ इंटू कितना 100 अभी ये 15 15 कैंसिल हुआ और क्या उसके ये 15 पाँच इंटू दो कैंसिल हुआ बाद में ये दो इंटू सात कैंसिल हुआ तो ये क्या है सेवन बाय मतलब सेवन हंड्रेड 8 एट तो सेवन हंड्रेड 8 एट कितना आएगा किधर गया कैलकुलेटर आ कर सकते हैं ये कितना आएगा रे थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाय फोर आएगा बाद में इसको क्या लिख सकते हैं 170 सेवेंटी डिवाइड बाई टू मतलब ये कितना आएगा 80 आएगा क्या 90 90 85 87.5 87.5 85 फाइव का डबल मतलब नाइन्टी वन और ये पंद्रह हाँ 87.5 सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है राइट चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन सी इसका करेक्ट है राइट <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन पी एम टी टू थाउजेंड सिक्सटीन फेज़ वन का क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा आपके नीट एग्जाम के कंपेरिजन में अच्छा क्वेश्चन लगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्टली उसने पूछा है कि बोलो हीट कितना आएगा चार्ज दिया है एंड बोलो हीट कितना है टोटल हीट बोला गया तो देखो यहाँ पर कि हीट का जो हमारे पास फार्मूला होता है अगेन हीट के वैसे बहुत सारे फार्मूला है उसमें से देखो आ, एक तो फार्मूला होता है कि अच्छा आ, अभी यहाँ पे हमें एक पहले फार्मूला लिखता हूँ एक होता है फार्मूला आई स्क्वेयर आर टी राइट एक होता है वी स्क्वेयर बाई आर टी एक होता है वी आई टी ये सारे फार्मूला में हमें देखना होता है कि आपके पास जो करंट है वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट है वेरिएबल तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये जो क्यू है क्यू देख क्यू से करंट निकालेंगे क्यू कितना है ए टी माइनस बी टी का स्क्वेयर तो इसको करंट निकालो तो डिफ्रेंश किया तो क्या आएगा ए माइनस टू बी टी आएगा तो करंट डिपेंड्स ऑन टाइम मतलब करंट वेरिएबल है करंट वेरिएबल है तो जो हीट का फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वेयर आर विथ रिस्पेक्ट टू टी अभी ये फार्मूला भी यूज़ करने में दिक्कत क्या है कि देखो अगर मैं इसको ऐसे आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली मुझे टाइम मिलने वाला है राइट right, टाइम के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा बट ऑप्शन में देखो कहीं पर भी टाइम के फॉर्म में इक्वेशन नहीं है इसका मीनिंग क्या है कि मुझे लिमिट यहां पर पुट करना पड़ेगा तो लिमिट क्या पुट करें क्वेश्चन क्या पूछा देखो टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर इज कितना हीट प्रोड्यूस होगा देखेंगे तो उसके लिए लिमिट ढूंढेंगे हम लोग एक तो स्टार्ट टी इज इक्वल टू जीरो को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो टी इज इक्वल टू जीरो को स्टार्ट कर रहे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है चेक करते हैं कि करंट कब जीरो होगा तो जब देखो अगर मैं करंट का वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ तो उस केस में ए माइनस टू बी टी का वैल्यू क्या होगा ज़ीरो होगा टोटल हीट प्रोड्यूस स्टार्ट से लेके एंड तक इनिशियली भी ज़ीरो था जब वो फाइनली चला गया कुछ टाइम के बाद तब ज़ीरो होगा तो ये क्या होगा ए इज़ इक्वल टू टू बी टी तो टी का वैल्यू क्या है ए बाई टू बी है मतलब इनिशियली टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो टाइम है अंड बाद में टी इज इक्वल टू फाइनल टाइम क्या है ए बाई टू बी तब करंट आपका स्टॉप हो जाएगा एक बार करंट स्टॉप हो गया तो हीट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा तो यहाँ से हमें टाइम का लिमिट मिला जीरो से लेके टी तक ठीक है ए बाई टू बी अभी डेटा पुट करो इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस टू बी टी का स्क्वेयर आर विथ रिस्पेक्ट टू टी इसको सॉल्व करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक्सपांड कर लो A, A, A -B, A 2AB, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज करो ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी मतलब ये फोर ए बी टी प्लस बी स्क्वेयर मतलब ये फोर बी स्क्वेयर टी स्क्र विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा तो अभी इसको इंटीग्रेट करो ये क्या आएगा ए क्यूब बाई थ्री माइनस फोर ए बी टी स्क्र बाई टू एंड बाद में क्या होगा ये फोर बी स्क्वेयर टी क्यूब बाय थ्री कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके ए बाई टू बी तक अभी जहाँ पर टी है वहाँ पर ए बाई टू बी पुट करो तो ये क्या आएगा देखो ए क्यूब बाय थ्री ये टू फोर कैंसिल होगा तो टू ए बी बचेगा एंड टी का वैल्यू क्या है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर बी स्क्वायर राइट ओके डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर फोर बाई थ्री बी स्क्र एंड यहाँ पर क्या है देखो टी क्यूब है मतलब ए क्यूब डिवाइडेड बाई एट बी क्यूब तो अभी क्या क्या कैंसिल होगा कितना कॉम्प्लीकेटेड दिखाई दे रहा है चलो तो क्या क्या कैंसल होगा देखो यहाँ पर एक बी यहाँ पर एक बी कैंसिल हुआ यहाँ पर बी स्क्र कैंसिल हुआ यहाँ पर ही कैंसिल हुआ और कुछ देखते हैं ए एक क्यूब बाय थ्री पहले टर्म में से बचेगा दूसरे टर्म में देखो ऊपर ए क्यूब बचा अभी ये टू टू भी कैंसिल होगा तो ए क्यूब बाय टू बचा ओके बा, अरे आर भी है आर हम लोगों ने मिस किया है आर भी है वहां पर बाद में देखो यहाँ पर फोर अच्छा ये फोर भी कैंसिल होगा देखो एट के साथ तो ये क्या आएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना चार दो आएगा सही किया ना हाँ अच्छा वहाँ पर आर भी है आर कॉन्सटेंट है तो ऐसे लिखा अच्छा ऑप्शन में बी है क्या लेट मी चेक हाँ ऑप्शन में बी है ना और ये सेकंड वाला बी तो क्या अच्छा ये बी है यहाँ पर सेकंड वाले में राइट right, फर्स्ट वाले में बी कहीं पर भी नहीं है चलो ओके आगे बढ़ते हैं तो एल कितना ले हम लोग एल सी एम सिक्स बी ले क्या चलो सिक्स बी एल लिया अभी क्या होगा यहाँ पर थ्री इंटू टू ये टू बी इंटू ए क्यूब माइनस ये क्या आ जाएगा थ्री ए क्यूब माइनस अरे बाप रे कुछ तो गलत किया देखो कैलकुलेशन में बाकी सब सही है ए क्यूब इंटू आर तो ये ए पहले टर्म में बी क्यों आ रहा है अरे अरे रे रे, रे 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 इंटीग्रेशन क्या सर को इंटीग्रेशन भी नहीं आता कुछ नहीं जल्दबाजी में देखो वही सोच रहा हूँ मैं कहीं तो गलत किया ये इंटीग्रेशन ही हम लोगों ने गलत निकाला ना यहाँ पर a ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या यू ए क्यूब बाई थ्री आता है क्या ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा ए स्क्वेयर टी आएगा राइट अभी एक काम करो तुम लोग इसको क्या करो सॉल्व करो सही किया ना अभी हाँ टी का वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाएगा ये इंटीग्रेशन ही मैंने जल्दबाजी में गलत निकाला तो कैसे आएगा आंसर चलो नेक्स्ट

10 है अच्छा मतलब टू पावर सिक्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन राइट चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन लास्ट क्वेश्चन है ए आई पी एम टी टू थाउजेंड सेवन का है? ईज़ी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है देखो बट थोड़ा सा हटके पूछा है क्वेश्चन को अ करंट ऑफ 1.5 पॉइंट ओके डेटा लिखता हूँ मैं 1.5 पॉइंट इज फ्लो थ्रू अ कॉपर वोल्टमीटर फॉर 10 मिनट ओके okay. 10 मिनट लिया टाइम इफ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज अभी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो टेंशन मत लेना ऐसे टाइम पे क्या करते जाओ तुम लोग यूनिट देखो उसका क्या है ये थर्टी इंटू ट्वेंटी फॉर माइनस फाइव ग्राम पर कुलम है इसको मैं कुछ तो ये क्या बोला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वीवैलेंट इसी लिखता हूँ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड विल बी तो आपके पास करंट है टाइम है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट डे मास पूछें कैसे करें अब ये पहले देखो कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालिटी उसका कुछ काम है या नहीं है उसका यूनिट क्या है ग्राम पर कुलम है मतलब अगर मुझे एक बार कुलम मतलब चार्ज पता चला तो अगर उस चार्ज को मैंने ई सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मास मिलेगा हमें क्योंकि ई क्या है ग्राम पर कुलम है तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ चार्ज निकालता हूँ चार्ज क्या आएगा आई इंटू टी आई कितना दिया कितना रही है टेन मिनट मिनट मतलब सेकंड में कन्वर्ट करो सिक्स हंड्रेड सेकंड तो आएगा पंद्रह इंटू साठ मतलब ये कितना आएगा सेवन फिफ्टी कोलम चेक करना सही कर रहा हूँ क्या <coughs> आ, देखो ये पंद्रह इंटू ये कैसे हो गया सेवन फिफ्टी ये आएगा नाइन हंड्रेड कोलम राइट तो अभी मास देखो मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वीवालू तो ई सी कितना है थर्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव ग्राम पर कुलम इंटू नाइन हंड्रेड सही है ओके तो अभी क्या होगा देखो ये नाइन इंटू थ्री कितना ट्वेंटी सेवन इंटू टेन टू द पावर थ्री एंड माइनस फाइव ग्राम अच्छा ये कुलम कुलम तो कैंसिल हो गया ना नाइन हंड्रेड का कुलम एंड ई सी का कुलम तो बचा क्या 27 सेवन इंटू ट्वेंटी पॉवर माइनस टू ग्राम मतलब gram, right? तो ये थे आपके क्वेश्चन बेस्ड अपॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग देखो कि आई थिंक ये फिफ्थ लेक्चर चल रहा है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें हम लोगों ने नियरली सारे क्वेश्चन कवर किए कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया सारे क्वेश्चन कवर किए गए सारे आई होप तुम लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हो सारे के सारे एक बार तुम एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हो और कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन नीट एग्जाम में राइट तो उसके हिसाब से तुम्हें किस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है किस फार्मूला के ऊपर फोकस करना है ये बेसिक आइडिया आ जाता है तुम लोग भी क्या करते जाना जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैं ही सोल्व कर रहा हूँ कुछ होमवर्क दे रहा हूँ तो सॉल्व करने के बाद एक अलग शीट बनाओ फार्मूला का एंड उस फार्मूला शीट के अंदर जो जो फार्मूला तुम लोगों ने यूज़ किए ना वो फार्मूला लिखो वहाँ पर एंड जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा जो लास्ट वीक का जो आपका रिविजन होता है उस लास्ट वीक के रिविज़न में ये आपको काम में आने वाला है रिविजन ऑफ ऑल दीज फॉर्मूलाज आगे समझ में राइट right. ओके okay. फिर बस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोई तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे थैंक यू एवरी